महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मंगलवार को आयोजित 40वें दीक्षांत समारोह में हर ओर बेटियों की ही चर्चा हुई। दीक्षांत में मेडल देने का क्रम भी बेटी के नाम के साथ ही शुरू हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्यपाल से लेकर कार्यक्रम में उपस्थित गुरुजनों और अभिभावकों का गौरवमान बेटियां बढ़ा रही थीं। कार्यक्रम स्थल पर हर ओर बेटियों के उड़ान का जिक्र था। मंच की बाई ओर मेडल पाने वालों की पंक्ति में छात्राओं की संख्या उनकी सफलता की गाथा बयां कर रही थी। कार्यक्रम शुरू होते ही कुलपति ने छात्राओं को शाबाशी दी तो राज्यपाल ने उनकी सफलता को नारी सशक्तिकरण से जोड़ा और इस क्रम को निर्बाध जारी रखने को कहा। राज्यपाल और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलाधिपति राम नाइक ने कहा कि छात्रों को विश्व प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना चाहिए। विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD की उपाधि मिलने के बाद अब नई चुनौतियां सामने आएंगी। काशी विद्यापीठ परिसर में मंगलवार को विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल राम नाइक ने 90,972 छात्र छात्राओं को डिग्री जारी करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने स्वर्ण पदक प्राप्त 58 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। राम नाइक ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कठोर परिश्रम करना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि जीवन में चरैवती चरैवती के सिद्धांत के अनुसार चलते रहना बहुत ज़रूरी है। लगातार चलते रहना और आगे बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाराणसी को पूर्वी भारत के गेटवे के तौर पर विकसित करने के साथ ही विश्व स्तरीय संसाधनों से जोड़ने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फीथिएटर मैदान पर सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 557 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इनका लाभ बनारस शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गाँवों को भी लाभ मिलेगा। किसानों, बुनकरों और शिल्पकारों को नए अवसरों से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट भी इनमें शामिल हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को 21वीं सदी का महत्वपूर्ण नॉलेज सेंटर बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 68वां जन्मदिन सोमवार को वाराणसी में मनाया। अपने जन्मदिन के अवसर पर मोदी देर शाम काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँचे और दर्शन पूजन किया। इससे पहले PM नरौर में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ खुशियां साझा करते नजर आए। बच्चों ने उन्हें जन्मदिन के तोहफे के रूप में ग्रीटिंग कार्ड और बधाइयां दी। शाम करीब 4:30 बजे शहर पहुंचे PM शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर काशी विद्यापीठ विकासखंड के नरौर गांव में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से मिले और उनसे सवाल पूछे। प्रधानमंत्री के पहुँचने पर स्वागत गीत गूंज उठे। सवाल जवाब के दौरान PM कई बार मुस्कुराए। प्रधानमंत्री करीब 40 मिनट तक स्कूल में रहे। इस दौरान बाहर खड़ी भीड़ मोदी मोदी और हर हर महादेव का उद्घोष करती रही। नरौर में प्रधानमंत्री ने बच्चों से हाथ मिलाया और खूब बातें की। एक बच्चे ने पूछा कि आपको किस विषय से डर लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा, किसी से नहीं, डर लगे तो राम का नाम लो। BHU के एम्फीथिएटर में उन्होंने अपने जन्मदिन को याद करते हुए कहा कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि देश के लिए समर्पित एक और वर्ष की शुरुआत में बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के आशीर्वाद से कर रहा हूँ। आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद मुझे हर पल प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पूरी काशी में उल्लास और उत्साह दिखा। सुबह से शाम तक ढोल नगाड़े गूंजते रहे, जगह जगह केक काटे गए और लड्डू बांटे गए। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा रहा। कई मंदिरों में पूजन और हवन हुए। 68 नारियल अर्पित किए गए। इसके साथ ही 68 किलो लड्डू का वितरण हुआ। मलिन बस्तियों में सफाई हुई। गलियों से लेकर कॉलोनियों तक स्वच्छता अभियान चला। मुस्लिम महिलाएं भी अपने सांसद का जन्मदिन मनाने के लिए घर से बाहर निकली। कहीं सोहर गाए गए तो कहीं मंत्रोच्चार के बीच PM के दीर्घायु होने की कामना की गई। कई जगह रक्तदान शिविर भी लगाए गए। ये पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने काशी में अपना जन्मदिन मनाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने डीरेका में मलिन बस्तियों के 70 बच्चों से मुलाकात की। यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने उन्हें यशोदा के विशेषण से नवाजा। जन्मदिन पर काशी पहुंचे PM मोदी सोमवार को जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते पर हर हर महादेव और मोदी मोदी से काशी की जनता ने उनका अभिवादन किया। डीरेका से नरौर गांव, फिर डीरेका लौटने और काशी विश्वनाथ मंदिर आने और जाने के दौरान लोगों की भीड़ अपने सांसद की एक झलक पाने के लिए सड़क किनारे दोनों छोर पर खड़ी रही। जैसे ही डीरेका गेस्ट हाउस से SPG बाहर निकलने लगी और जगह जगह पुलिस की तैनाती के बाद लोगों को अनुमान लग गया कि प्रधानमंत्री बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर आएंगे। जिस मार्ग से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था, हर हर महादेव का उद्घोष गूंज रहा था। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर तो कहीं प्रणाम कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे।
लगभग 2 घंटे 10 मिनट के शहर भ्रमण के बाद प्रधानमंत्री वापस डेरे का गेस्ट हाउस पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार रात काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अचानक मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन पहुंच गए। 10 मिनट तक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टहले, वहां हुए और हो रहे कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर 6 परिवारों को खुशियाँ दी। सोमवार को सेंट्रल जेल से 2 और जिला जेल से 4 कैदियों को रिहा कर उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत का मौका दिया। ये कैदी चोरी, तस्करी, नशीले पदार्थों की बिक्री और दुष्कर्म जैसे अपराधों के चलते बंद थे। सोमवार सुबह 10:30 बजे जेल के फाटक से बाहर आते ही कैदियों की आंखें नम हो गई। पीएम को धन्यवाद करते हुए सभी ने अच्छे इंसान के रूप में आगे का जीवन जीने की शपथ ली। सेंट्रल जेल के जेलर कमलेन प्रताप सिंह ने बताया कि केंद्रीय कारागार में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में बंद बनारस के जुबेर अपनी मूल सज़ा के बाद जुर्माने की सज़ा काट रहे थे। जुर्माना भरे जाने के बाद उन्हें छोड़ा गया। वहीं बहराइच निवासी लालजी मुसहर दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे थे, उन्हें भी रिहा किया गया। गणेशोत्सव के 5वें दिन श्री काशी मराठा गणेशोत्सव समिति ने लालबाग के राजा जैसी बनी गजानन की प्रतिमूर्ति को अगले बरस टुफेराना के आमंत्रण के साथ सोमवार को विदाई दी, जबकि अन्य पूजा पंडालों में विविध धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान हुए। काशी मराठा गणेशोत्सव समिति की ओर से विसर्जन शोभा यात्रा आज भैरव स्थित अग्रवाल भवन से आरंभ हुई। शोभा यात्रा में हाथी और घोड़ों पर देव स्वरूप विराजमान थे। ढोल की थाप पर मलखम की कला का प्रदर्शन करते युवाओं का दल आकर्षण का केंद्र बना रहा। शहर में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही थीं। वहीं बड़ी पेरी स्थित टंडन नर्सिंग होम में एक बच्चे के जन्म पर उसके माता पिता ने उसका नाम नरेंद्र मोदी रखकर अपनी खुशी का इजहार किया। विश्वेश्वरगंज निवासी नारायण केशरी और सुमन केशरी का कहना था कि घर के चिराग का आगमन प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हुआ है, इसलिए इसके लिए नरेंद्र मोदी से बेहतर नाम और कुछ नहीं हो सकता। किराना विक्रेता नारायण का कहना है कि मैं तो दुकान पर बैठता हूं, पर मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बड़ा होकर देश का नाम रोशन करे, इसके लिए नरेंद्र मोदी से अच्छा नाम कुछ और हो ही नहीं सकता। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का 56वां जन्मदिन शराबबंदी का संकल्प लेकर मनाया। कार्यकर्ताओं ने 21 किलो का केक काटकर शुभकामनाएं दी। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा को स्नान कराकर तेल से मालिश किया। इस दौरान 1,000 लोगों को भोजन कराया गया। कार्यकर्ताओं ने यह भी संकल्प लिया कि 2022 में ओम प्रकाश को मुख्यमंत्री बनाकर दम लेंगे।